क्लास 10, वेलकम वंस अगेन। आज का जो टॉपिक है वह है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने ऑटोट्रॉफिक पढ़ा और ऑटोट्रॉफिक जिसमें हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा कैसे प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं, और उस पर तीन एक्टिविटी पढ़ा, नीड्स ऑफ क्लोरोफिल, नीड्स ऑफ सनलाइट, नीड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और आज का टॉपिक है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसे पढ़ते हैं पहले हम लोग। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कांट मेक इट्स फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड डिपेंड्स ऑन अदर फॉर इट्स फूड। यानी कि न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड्स को, अपने अगल बगल के जो भी रॉ मटेरियल, जो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उनका यूज करके वो नहीं बना पाते हैं, अपने फूड के लिए वो दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सच ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ द काइंड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक्चुअली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एट फर्स्ट सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। देन द फर्स्ट सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में दरअसल होता क्या है, पहले इसका लाइनिंग पढ़ते हैं। In it, organisms obtain their food from decaying organic matter of dead plants, animals, etc. यानी कि हेटरोट्रॉफिक और न्यूट्रिशन का वो तरीका या वो काइंड जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए किसी डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड करता हो। डिकेइंग, यही इसमें का मेन बात है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए। यानी कि वो जब प्लांट्स का कोई रेस्ट हो, एनिमल्स वगैरह जब डेड कर जाएं, उस समय जब वो सड़ने लगते हैं, डिकेइंग होने लगते हैं, तो उनको वह भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और इसका एग्जांपल फंजाई है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तो याद रखना है कि जब भी सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात आएगी तो याद रखिएगा कि ऑर्गेनिज्म्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। नाउ द टर्म ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। In it, organisms obtain their food from the body of another living organisms without killing it. यही सबसे मेन बात है, यानी कि दूसरे से तो गेन करता है, but from the living organism. उसमें क्या था, सेप्रोट्रॉफिक में क्या था, decaying organic material, लेकिन इसमें क्या है, living organism, यानी कि living organisms के body पर रहेगा और उसी से अपने भोजन को गेन करेगा। तो जो organism किसी दूसरे के बॉडी पर रहेगा उसे हम लोग नाम देते हैं पारासाइट, और जिसकी बॉडी पर रहेगा उसको हम लोग नाम देते हैं होस्ट। पहले इसको समझिए, पारासाइट को। अ पारासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। यानी पारासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे की बॉडी से अपना भोजन गेन करता है। और वो किसके बॉडी से अपना भोजन गेन करता है, तो जिसके बॉडी से गेन करेगा उसको बोलेंगे होस्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, प्लाज्मोडियम इन आवर बॉडी। आप जानते हैं प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरिया का कॉज है, वो पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में एंट्री किया, हमारे बॉडी पर रहा, तो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी से अपना भोजन गेन करता है, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट कहलाएगा। और हमारा जो बॉडी है जिससे वो भोजन गेन कर रहा है, तो हम लोग होस्ट कहलाएंगे। अब आइए दूसरा एग्जांपल, जो बहुत सिंपल एग्जांपल, लाउस। जू का नाम सुने होइएगा, जू जो बालों में रहता है, स्पेशली फीमेल के हेयर में ज़्यादा रहता है, जो कि काफ़ी घना और बड़ा होता है उनका बाल। तो जू क्या है, पैरासाइट, और उनका बॉडी क्या है, या जिसके बाल में रहेगा वो उसके लिए क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। बहुत सारे वर्म, जो टेप वर्म वगैरह जो हमारे पेट में रहते हैं, वो सब पैरासाइट हैं, और हमारा बॉडी क्या है, तो होस्ट है। अब आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन इट ऑर्गेनिज्म्स टेक द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी, ब्रेक डाउन्स देम एंड फाइनली यूटिलाइज देम। यानी कि न्यूट्रिशन का, यानी कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक ऐसा तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और फाइनली उनको यूटिलाइज करते हैं। इसमें बहुत सा प्रोसेस चलता है, और ये सबसे, जितने भी जो बेहतरीन क्वालिटी के एनिमल्स हैं, जैसे उसमें ह्यूमन बीइंग भी आता है, उनके अंदर ये होलोजोइक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अब
जैसे कि एग्जांपल में देखिए, मोस्ट एनिमल्स ह्यूमन बीइंग वगैरह सब लिखा हुआ है। स्टेप्स ऑफ फॉलोजोइक न्यूट्रिशन, अब स्टेप्स का नाम जानना है तो मैं चाहता हूँ कि नाम आज जान ही लें, हम नाम कम से कम जान लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, फिर इस नाम एक एक कर सबको पढ़ना भी है। तो सबसे पहले देखिए फॉलोजोइक न्यूट्रिशन का स्टेप, सबसे पहला स्टेप आता है इनगेशन। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टेप्स ऑफ फॉलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है, डाइजेशन। तीसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन। चौथा क्या है, एसिमिलेशन। और पांचवा जो बॉडी से बाहर निकलेगा, इजेशन। तो दीज आर द फाइव स्टेप्स ऑफ फॉलोजोइक न्यूट्रिशन। तो आपने देखा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उनके डिफरेंट काइंड्स, और स्पेशली होलोजोइक न्यूट्रिशन जो उसका काइंड था, उसका पांच स्टेप है, इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनली इजेशन। तो वेट फॉर द सेकंड वीडियो वेयर वी विल डिस्कस एवरी पॉइंट ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, दैट मीन्स डिफरेंट स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, बाय।